आज हम व्रत वाली नमकीन बनाएंगे। इसे व्रत वाले भी और बिना व्रत वाले भी कोई भी खा सकते हैं, लेकिन व्रत की नमकीन ही आज बनाएंगे। तो क्या क्या इसमें लगेंगे और कैसे बनाएंगे, किस चीज़ों से बनाएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए ओवल साइज का इस तरह का आलू लेना है। ऐसे गोल आलू से भी बनेगा, लेकिन इसके लच्छे लंबे होने चाहिए। तो इस तरह से हम एक साइड से करके इसको इस तरह से लंबे लंबे लच्छे में ग्रेट कर लेंगे। और सारे को ग्रेट करने के बाद, मैंने ग्रेट करके रख लिया है एक दिखाने के लिए आपके सामने किया, तो इसे हम पानी में डुबोकर तीन चार पानी, जब तक वाइट पानी ना हो जाए तब तक इसका स्टार्च जब तक ना निकल जाए हमें धो लेने हैं और इसे छान लेने हैं। छानने के बाद इसे 15 मिनट तक आप पंखे के नीचे या फिर कॉटन कपड़े से इसको पोंछकर इसका पानी को सुखा लें। अब तेल गरम करेंगे और तेल गरम करके जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हो, काजू बादाम मूंगफली फिर मखाने और करी पत्ता वगैरह जो भी आपके पास हो, जो डलते हैं इसमें किशमिश वगैरह, तो वो सारी चीज़ों को हम डाल के फ्राई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने कर लिया है। अब ये आलू लच्छे वाले लेकर आएंगे जिसे मैंने 15 मिनट तक धूप में सुखा लिया था पोंछ के। अब इसे उसी गरम तेल में डालकर इस तरह से हिला हिला कर थोड़ा सा इसका कलर आ जाए इस तरह से गोल्डन टाइप का, उसके बाद हम इस तरह करके निकाल लेंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करने, नहीं तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो पूरा मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा, आलू है तो। इस तरह से हम करके इसे निकाल लेंगे, सारे को निकालेंगे। ये देखिए मैंने सारे को करके निकाल लिया है, बहुत ही कुरकुरा बना है, इसे तोड़ने का मन नहीं है इसलिए मैंने तोड़ा नहीं। और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे थे सारे को इसमें मिला देंगे। और साथ ही इसमें हमें डालने हैं सेंधा नमक। आप सिंपल नमक भी डाल सकते हैं क्योंकि ये व्रत का है, तो सेंधा नमक और काली मिर्च इसमें डाल देंगे। ऐसे खाने के लिए बनाना हो तो इसमें लाल मिर्च, चाट मसाला और फिर सिंपल नमक डालकर, काला नमक डालकर आप बना सकते हैं। अब इसके साथ एक ट्विस्ट है, इसे ऐसे कैसे खाएं भाई, व्रत का है तो व्रत में सिर्फ कैसे नमकीन खाया जाए, तो एक व्रत की चाय भी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक गिलास मैंने पानी डाला और अदरक कूट के और फिर कूटी हुई काली मिर्च इसमें डालकर, एक तेज़पत्ता डालेंगे और गुड़ डालकर इसे हम उबालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम सेंधा नमक भी डाल देंगे ताकि मिठास ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। और चुटकी भर इसमें हम चाय पत्ती डालेंगे और इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से उबालेंगे। ये उबल जाए 5 मिनट तक, उसके बाद 5 मिनट के बाद गैस ऑफ करेंगे और इसे हम गिलास में निकालेंगे। अब देखिए मज़ेदार ट्विस्ट टाइम आ गया है इसमें। तो ये चाय इस तरह से निकाल लेने के बाद इसमें हम घी डालेंगे। घी डालिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाय, आप ज़रूर बनाकर पीजिएगा। अब सर्दी आ रही है, सर्दी में हम लोग इसी तरह का करके पीते हैं। और साथ में ये नमकीन हमने निकाल लिया, तो ये व्रत की नमकीन और व्रत का चाय रेडी है। तो आप नवरात्रि की व्रत रखते हो या ना भी रखते हो तो इस तरह का करके आप खा सकते हैं। अब इस तरह देखिए, ये इसे हम डब्बा में बंद करके एयर टाइट कंटेनर में डालकर हम इसको महीने दिन तक रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।